गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, दिस इज़ योर इंग्लिश रीडर वर्क। आपको अपना सारा काम इंग्लिश रीडर की नोटबुक में करना है। आपको एज इट इज़ उतारना है ये सारा, फिर आपको इसके आंसर्स करने हैं। फर्स्ट वर्ड मीनिंग, एक्सचेंज, बारगेन, सेलिंग, सरप्राइजिंगली, इसके आपको मीनिंग लिखने हैं। फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट है उसमें द ओल्ड कपल हैड नो मनी टू बाय डैश फॉर देयर ओल्ड हॉर्स। ओल्ड कपल के पास मनी नहीं थी क्या बाय करने के लिए, ठीक है। द ओल्ड कपल डिसाइडेड टू डैश द हॉर्स, ओल्ड कपल ने क्या डिसाइड किया हॉर्स के लिए। देन थर्ड क्वेश्चन है, द वुमेन एक्सचेंज हर डैश विद द ओल्ड हॉर्स, जो वुमेन थी उसने अपना क्या एक्सचेंज किया था ओल्ड हॉर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मैच द फॉलोइंग, ठीक है। एनिमल्स जो हैं हमारे उनकी क्या साउंड होती है वो हमें मैच करनी है, जो आपके बुक में है एज इट इज़ वैसा ही करना है। आपको पहले लिखना है देन मैचिंग करनी है। उसके बाद आता है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले आप क्वेश्चंस उतारेंगे फिर उसके आंसर्स लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द टू मैन टेक द बैट, क्या था जो दो मैंस थे उन्होंने बैट लगाई थी, किस चीज़ पर बैट लगाई थी, राइट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ वांट टू सेल देयर हॉर्स, जो ओल्ड मैन थे और उनकी वाइफ थी वो अपना हॉर्स क्यों बेचना चाहते थे। समझ आ गया सबको। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, बाय।